नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम खड़े हैं सेक्टर 17 में, मेरे साथ सोनू कुमार जी हैं। काफी परेशान हैं और क्या इनकी दिक्कत है वो जानेंगे, क्यों ये परेशान है और क्यों ये बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, बैंक पर आ रहे हैं, यूनियन बैंक पर। सोनू जी, क्या हुआ है, क्या है मामला? मैम, मैंने 22 मार्च को 80,000 रुपए अकाउंट में जमा कराए थे, वो मेरे भाई का अकाउंट नंबर है। कहाँ जमा कराए थे? यहीं सेक्टर 17 यूनियन बैंक मशीन में। मेरी मम्मी में जमा कराए। मेरी मम्मी कोठियों में काम करती, झाड़ू पोछा, मैं यहाँ पे चाय पानी का काम करता हूँ, 12,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। कैसे कैसे जोड़ के 80,000 मैंने जमा कराए। 22 मार्च को मशीन में जमा करा, उसमें लिखा हुआ गया अनसक्सेसफुल पेमेंट। मैंने गार्ड साहब को दिखाया, गार्ड साहब कह रहे एप्लीकेशन लिख के अंदर दे दे। मैंने एप्लीकेशन लिखा, सारा कुछ किया, जो पैसा था वो मशीन में चला गया था। उसमें लिखा हुआ था अनसक्सेसफुल पेमेंट, गार्ड साहब को भी दिखाया और अंदर एप्लीकेशन लिख के सारा कुछ दिया। कितने बजे की बात है, कब की बात है ये? 22 मार्च की बात है, वही 10:30-11 बजे के बीच की बात है, दिन के। तो बैंक खुली हुई नहीं थी? बैंक खुला हुआ था मैम 22 मार्च को, गाड़ी सारा कुछ बैठे हुए थे। और उस दिन से एप्लीकेशन लिख के दिया है और उस दिन मैं दूसरे दिन आया, तब बोल रहे हैं कि 1-2 दिन वेट कर लो, आ जाएगा। 1-2 दिन वेट किया, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं तो ये बोल रहे हैं तुम्हारा कुछ शो नहीं कर रहा है, पैसा पता नहीं कहाँ है, आएगा नहीं आएगा, कुछ बता नहीं रहे। करते करते 1-2 तारीख से चक्कर मार रहा हूँ तो ये डेली बोल रहे हैं सर्वर नहीं चल रहा। आज आया हूँ तो बोल रहे हैं कि जिसको तुमने स्लिप दिया वो छुट्टी पे है, वो कब आएगा पता नहीं, कोई बात नहीं कर रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं। उस दिन जैसे बैंक खुला हुआ था तो जब आप अंदर गए तो आपने जो अंदर अधिकारी बैठे हुए होंगे उनसे भी बात करी होगी, उन्हें भी अपनी परेशानी बताई होगी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला था एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, एप्लीकेशन सारा कुछ उसमें लिख के दे दिया। और उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन लिख लिया, इन्होंने बोला हमने ऊपर कर दिया और कर दिया, तुम्हारा अकाउंट नंबर ही शो नहीं हो रहा है, पैसे आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं। और आज सुबह से कर रहा हूँ नौकरी छोड़ के, छुट्टी कर करके आ रहा हूँ, बोल रहे हैं कि तू पूरे बैंक में नाच रहा है, हमें नहीं पता क्या है, जब वो आएगा तब आएगा। और जो बंदा छुट्टी पे उनको इनको उनकी जगह दूसरा बंदा बैठा ना, वो तो काम कर रहा है, छुट्टी से मतलब नहीं है ना, वो तो एक सिस्टम है, आपने पैसे तो जमा करे, बात ही नहीं कर रहा। वो गार्ड अभी हैं जिनके सामने तो आपने जमा, अच्छा एक बार बुला दें अगर वो आ जाए तो। और फरीदाबाद आप देख सकते हैं जो मामला है, सोनू कुमार हैं और अपनी आजीविका चाय की ठेली लगाते हैं, जो भी करते हैं, और माँ इनकी जैसा इन्होंने बताया घरों में काम करती है और मेहनत की कमाई लगभग 80,000 रुपये इन्होंने उस दिन यहाँ बैंक में जमा करे, मशीन में डाले और मशीन पर लिखा आ गया पेमेंट अनसक्सेसफुल। तुरंत इन्होंने अंदर संपर्क किया, बैंक के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्होंने इन्हें बोला कि एक एप्लीकेशन लिख कर दे दें, और तब से एप्लीकेशन लिख कर आप चक्कर ही काट रहे हैं और वो कोई नहीं आ रहा। गार्ड साहब कह रहे हैं हमें नहीं पता, अंदर सर से बात करिए, सर वगैरह कोई नहीं आ रहे। लेकिन गार्ड के सामने आपने पैसे डाले थे और उन्होंने ऑफिसर्स जो हैं अंदर, गार्ड साहब से मैंने एप्लीकेशन भी लिखवाया है लेकिन मुझे लिखना नहीं आता, तो गार्ड साहब से लिखवाया था मैंने। अच्छा, आपको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती है? मैंने एप्लीकेशन लिखाया, इन्होंने लिख के दिया। अच्छा। अब गार्ड साहब अंदर बोल भी दिया होगा कि मेरे सामने पैसा डाला है। अब गार्ड साहब डर रहे हैं कि अधिकारी से मैं कुछ बोल दूंगा तो बाद में उनको डांटेंगे। लेकिन अधिकारियों के सामने तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है ना कि आपने पैसा डाला है। हाँ जी। आपने उस टाइम ये नहीं कहा कि मशीन में आप लोग चेक कर लो मैंने पैसा डाला है? बोल रहे हैं कि सर्वर में प्रॉब्लम आ गई होगी, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन एक बार अगर ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल आता है तो उसके बाद तो मतलब मशीन ने तो अपना काम कर दिया ना, मशीन ने ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल कर दिया तो फिर कैसे अकाउंट में आ जाएगा पैसा? नहीं मैम, क्या है 22 मार्च से आज 4 अप्रैल हो गया, इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते से 15 दिन से ज्यादा हो गए। अभी कम से कम इनको ये तो बोलना चाहिए भाई 2 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, तेरे पैसे आ जाएंगे, तो साहब बोले हमें नहीं पता, तो बार बार बैंक में चक्कर काट रहा है, तो पूरे बैंक में नाच रहा है, ऐसे करके बोल रहे हैं। कभी भाई साहब आपने भी बैंक में जमा किया मशीन से पैसा? नहीं जी, मैंने जमा नहीं करा। कभी आपने जमा नहीं? जी मैंने। फरीदाबाद बड़ा अजीब मामला है ये, मशीन में पैसा डालते हैं और छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, पूरा 80,000 रुपए का अमाउंट है, मेहनत की गाड़ी कमाई है और वो मशीन में अटक गई है, लेकिन जो अधिकारी है 80,000 रुपए जमा कराए मशीन से, अनसक्सेसफुल पेमेंट आ गया, गार्ड वार्ड को सबको दिखाया, सब कह गए एप्लीकेशन लिख के दे दो, ले दिया। उस दिन से चक्कर भी कटवाए जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं तू बार बार बैंक आता, हमें नहीं पता तेरे पैसे आएंगे नहीं आएंगे, तू चक्कर काट रहा है, सबको परेशान कर रहा है। वो जो बंदा किया वो छुट्टी पे, सर छुट्टी पे तो इनकी टेंशन है ना, मैंने मेरी मम्मी कोठी में काम करती है, मैं यहाँ पे 12,000 की नौकरी करता हूँ, कैसे कैसे पैसे जोड़े मैंने जमा कराए, कहते हैं इनको ये तो बोलना चाहिए भाई 4 दिन वेट और कर ले। अब ये डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता तेरे पैसे आएंगे नहीं आएंगे। आपने जो एप्लीकेशन दी थी उसकी इन्होंने कोई रिसिप्ट वगैरह दी थी? मैम कुछ भी नहीं दी इन्होंने रिसिप्ट वगैरह, बस अपने पास ही रख लिए। सर मुझे इतना पता नहीं होगा कुछ, इतना मुझे पता नहीं था ना कि ऐसा कुछ होता है। मैनेजर से बात ये हुई, बोल रहे हैं बंदा छुट्टी पे, वो जब आएगा तब बात होगी, वो कब आएगा कब नहीं आएगा हमें पता ना। बुलाने गए हैं लेकिन कोई अधिकारी बाहर आने के लिए तैयार नहीं है और आप
देख सकते हैं अनोखा मामला है। ये खाली सोनू कुमार की परेशानी नहीं है, ये परेशानी किसी के भी साथ हो सकती है। अमूमन लोग जब से ये मशीनें लगी हुई हैं बैंक में तब से इनका इस्तेमाल करते हैं और सुविधा का एक अच्छा साधन है। आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, आप मशीन में डायरेक्ट पैसा डालते हैं और आपका पैसा अकाउंट में जमा हो जाता है। लेकिन ये जो मामला सामने आया है इसके बाद कहीं ना कहीं इस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जो मशीनी सुविधा है इसका कितना इस्तेमाल किया जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए, और अगर आपका पैसा ऐसे कहीं अटक जाता है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है, बैंक की तरफ से क्या ये प्रोसेस है इस पैसे क्या निकालने का या अकाउंट में डालने का, उसका अभी तक सोनू कुमार को कोई जवाब नहीं मिला है। नहीं मैम, कोई जवाब नहीं दे रहे, बोले वो बंदा छुट्टी पे जिसको आपने एप्लीकेशन दिया। नहीं तो एप्लीकेशन तो होगी ना, वो पर्सन छुट्टी, अगर वो छुट्टी पे रहेगा तो दूसरा बंदा काम कर रहा है सिस्टम पे बैठा हुआ है, कोई वो रिकॉर्ड अपने साथ थोड़ी ले गया होगा घर पे, सारा रिकॉर्ड तो इनके यहीं पे रखा हुआ है। हाँ सारा कुछ यहीं पे ही है, और खाली बैठे रहते हैं लाइन में, जब जमा कराने जाते बोलते हैं मशीन चली वहाँ जमा करा दो। अच्छा, ये खुद ही बोलते हैं कि मशीन, इन्होंने खुद ने बोला है कि हम मशीन चली वहाँ जाके जमा कराइए। मतलब आप पहले जमा कराने गए थे पैसा? मशीन में जमा कराता नहीं मैं, अंदर ही कराता हूँ। उस दिन ये खाली बैठे हैं और बोले कि अभी यहाँ पे सर्वर नहीं चल रहा, आप जाके मशीन में जमा करा दीजिए। मैंने मशीन में कराया और हमेशा ये लोग यही बोलते हैं कि कैश जमा नहीं, मशीन में जमा कराइए। उनको ये तो बोलना चाहिए कि आपके पैसे चार दिन में आ जाएंगे, पांच दिन में आ जाएंगे, तो ये तो सीधा ही बोल रहे हैं हमें नहीं पता तेरे पैसे सो नहीं कर रहे, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। वो बंदा छुट्टी पे है, वो कल आएगा, कल आके बात करना। 22 मार्च से आप 4 अप्रैल होगी, मैं डेली आ रहा हूँ काम छोड़ छोड़ के। 12 दिन लगभग हो चुके, लगभग हो गया। ब्रांच मैनेजर से मिलने की कोशिश नहीं करी? आज यही बोल रहा है कि वो बंदा छुट्टी पे है, कल आएगा, कल मैं उससे बात होगी, जो होगा कल देखा जाएगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कल के लिए आपको टाल दिया गया? टाल दिया। मम्मी मेरी गांव में गई हुई है, उनको पैसे गांव में भेजने थे किसी उससे, वो वहाँ भाटिया जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप इसकी पुलिस कंप्लेंट करें। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट करी है इसकी? अभी तक तो मैंने नहीं करा कुछ भी, लेकिन अब करूंगा। सजेशन आपके लिए आया है, जो हमारे पाठक जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका सजेशन आया है कि आप सबसे पहले जाके पुलिस कंप्लेंट करें इस मामले। कर दूंगा मैं, आज ही कर दूंगा कंप्लेंट। आप देख सकते हैं अपनी मेहनत की कमाई लगभग 80,000 रुपया, कोई छोटा अमाउंट नहीं था। और पहले सोनू बैंक में जमा करने गए और इनसे बोला गया कि मशीन लगी हुई है बाहर, आप मशीन से जमा कर दें, और जब मशीन से इन्होंने पैसा जमा किया तो उस पर लिखा आ गया ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल, और इनको कोई पैसा अकाउंट में नहीं आया, अकाउंट में कोई क्रेडिट नहीं हुआ। और इन्होंने इनसे बोला गया कि एप्लीकेशन लिख कर दे दें, एप्लीकेशन लिख कर दी है, और फिलहाल 22 तारीख से आज 4 तारीख हो चुकी है, लेकिन उस एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं आया, ना ही इन्हें ये पता चल रहा है कि इनका जो पैसा था वो कहाँ है और कैसे मिलेगा। अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हैं जो बैंक के सीनियर वगैरह, अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं अंदर पूछ ले गया हूँ तो वो बोल रहे तू पूरी बैंक में नाच रहा है, कभी इधर आ रहा है कभी उधर आ रहा है, कुछ नहीं होगा, जिसको एप्लीकेशन दिया है वो छुट्टी वही करेगा, और तेज तेज आवाजों में बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो फरीदाबाद आपने ये मामला पूरा देखा, और क्या आपकी राय है सोनू जी के लिए? अभी रवि भाटिया जी ने अपनी राय दी है कि इन्हें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। आप लोगों को भी अगर इस बारे में कोई नॉलेज है, कोई बैंकर हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिसे इस मामले की नॉलेज हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जोड़ेंगे आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।